नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। एपी बंधे पर बढ़ा नदी का दबाव, धीमे कार्य को देख विधायक अजय कुमार लल्लू बैठे धरने पर। काफी दिनों से एपी बांध पर नदी का दबाव होने के बावजूद भी विभाग सोया हुआ है। ताकि करोड़ों रुपए सरकारी माध्यम से पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन अभी तक बंधे को सुरक्षित करने का कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है, जिसका नतीजा एपी बांध पर नदी का दबाव बढ़ गया है। बंधे पर निर्मित फार अस्पताल के शेंक को लगभग 100 मीटर नदी अपने आगोश में ले चुकी है। मंगलवार को ग्रामीणों की सूचना पर एपी बांध पर पहुंचे कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता व तमकुही राज के विधायक अजय कुमार लल्लू ने कटान की स्थिति को देख धरने पर बैठ गए। विधायक का आरोप था कि लगातार विधानसभा से लेकर मुख्यमंत्री तक बंधे को सुरक्षित करने को लेकर कई बार मिलने व ज्ञापन देने के बावजूद भी सरकार गंभीर नहीं हुई है, जिससे आज हजारों घरों के लोग डरे व सहमे हुए हैं। पता नहीं बांध कब कट जाए, इस पर इसका कोई समय सीमा नहीं है। धरने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अधिशासी अभियंता भरत राम व तमकुही के उप जिलाधिकारी त्रिभुवन कुमार ने बंधे पर पहुंचकर विधायक से बातचीत की। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? खास टोला बरौ पट्टी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अंगद कुमार गुप्ता है। जबकि यहाँ पे बंधा की कटान तेजी से चल रहा है, नदी की डिस्चार्ज कम होता है तभी कटान होता है, और नदी का डिस्चार्ज बढ़ता है तभी कटान होता है। शासन प्रशासन इसका काम मानसून आने से पहले नहीं काम कराता है। जब कटान चालू हो जाए तो फ्लड फाइटिंग का काम होता है, तो लाखों करोड़ों की धांधली होती है। जबकि यहाँ पे ऐसे होता है कि पैसा नहीं है, और सरकार और के पास कहते, सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा है, और अधिकारी कहते हैं कि पैसा नहीं है यहाँ पे, जबकि पैसे के अभाव में काम नहीं कराया जाता है। जब कटान पूरी हो जाती है, जब कटान चालू हो जाते हैं, हम ग्रामीण दहशत में आ जाते हैं। चार माह तक तो हम दहशत में जीते रहते हैं, और ये ऐसा होता है कि हमारा बंधा कट जाता है और पानी की नहीं हम डूब जाते हैं। किसकी लापरवाही मानी जाए? ये तो शासन और अधिकारी की लापरवाही मानी जाए, जबकि शासन इस पर नजर नहीं डालता है और अधिकारी इसको छुट्टी छाटी रखते हैं। जबकि इसको यही तो कहा जाए, शासन इसको देखता नहीं है और अधिकारी इसको छुट्टी छाटी रहते हैं। जब आता है तो लूट खसोट का काम करते हैं, फ्लड फाइटिंग का काम करते हैं, करोड़ों रुपये धांधली में चली जाती है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।